नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 3 नंबर से प्रश्न जो त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं और वह सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पर, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर cos a माइनस 1 बटे cos a प्लस 1। तो आपको यह प्रश्न को यहां से, यानी इसे हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। LHS से ये RHS बराबर क्या होता है, RHS होता है, इसे प्रूव करना है। यानी कि इसे लेकर के आप प्रूव कर सकते हैं या आप इसे लेकर के इसे पढ़ा सकते हैं। तो सिद्ध करना है, इसे लेकर के इतना हमें लाना है। तो इसे लाने के लिए आपको त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो आइए हम पहले आपको जो यूज होगा फॉर्मूला सिर्फ उसी को ही लिखेंगे। तो सवाल बनाने से पहले हम लोग सूत्र को एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है 1। तो हम इसे यहां रखेंगे और इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए बराबर 1 बटे कॉसेक ए। फिर हम साइन को उधर भेज देंगे और कॉसेक ए इधर आ जाएगा। तो देखिए, कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए, ये हो गया फॉर्मूला आपका। तो दूसरा होता है अब कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो कॉस ए बराबर हम इधर लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए, और हम सेक ए रखेंगे और कॉस को इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ई ए, दोनों हो गया। अब दूसरा होता है आपका इसी का कि tan a इंटू cot a बराबर 1। तो tan a बराबर 1 बटे cot a, और फिर cot a बराबर 1 बटे tan a। और एक सूत्र होता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि tan a बराबर होता है आपका, tan a बराबर होता है sin a बटे cos a, और इसी का उल्टा होता है आपका कि cot a बराबर cos a बटे sin a। तो यह आपका पूरा सूत्र रहा, जैसे कि sin a इंटू cos a बराबर आपका हो गया 1। तो हम sin को यहां रखें और cosec इधर भेज दें, तो sin a बराबर 1 बटे cosec a हो गया। फिर cosec a बराबर हो जाता है 1 बटे sin, फिर आपका है cos a इंटू sec a बराबर 1। तो इसका सूत्र देखिए आपका यहां पे है कि cos इसको यहां रखें और sec को इधर भेज दिया, तो ये एक के नीचे आ जाएगा क्योंकि गुणा में था। तो cos a बराबर 1 बटे sec a हो जाएगा और sec a बराबर हो जाएगा 1 बटे cos a। उसी तरह से यहां है tan a इंटू cot a बराबर 1, ये आपका है मेन। अब देखिए, tan को यहां रखें, cot को उधर भेजें, यानी tan a बराबर 1 बटे cot a, cot a बराबर 1 बटे tan। अब देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि डायरेक्ट आपको tan थीटा बराबर होता है sin a बटे cos a, और इसी का उल्टा cot a बराबर होता है cos a बटे sin a। तो आप इस सभी सूत्र को कॉपी में उतार लीजिए, अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अब सवाल को सॉल्व करते हैं, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। तो देखिए, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, तो LHS से हमें RHS प्रूव करना है या RHS से LHS प्रूव करेंगे। तो हम सभी लेंगे इस वाले टर्म को, इससे हमको ये बनाना है, यानी प्रूव करना है, इसको इतना बराबर करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सॉल्यूशन और LHS बराबर जितना उतना उतार देंगे, क्या है cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सभी अभी तुरंत पढ़े हैं कि इसका एक सूत्र होता है कि cot a बराबर cos a बटे sin a, इतना अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं। तो हम cot के जगह पे इतना लिख सकते हैं, यानी कि cos a बटे
साइन ए माइनस कॉस ए, ये मेरा ऊपर वाला हो गया। अब हम लोग नीचे वाला को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, इसको भी कॉस ए बटे साइन ए और प्लस ये कॉस उतार देंगे। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, इस नए कुछ इसके नीचे एक तो है छुपा हुआ, इसके नीचे भी कुछ एक छुपा हुआ है, भी एक है। तो यहां आप अगर ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा तो कॉस और कॉस कॉमन आ रहा है, यानी कि बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉस ए और अंदर में क्या बन जाएगा तब, यहां पे वन बटे साइन ए माइनस, ये तो बाहर चल गया, यहां पे सिर्फ बचेगा आपका वन। अगर आप इसी को गुणा करिएगा, देखिए तो ये ऊपर, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है लेकिन इसके नीचे कुछ वन छुपा रहता है, तो इसको गुणा करिएगा तो ये ऊपर, यानी कि कितना हो जाएगा, कॉस कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको एक बार गुणा करती है, इतना आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कॉमन कहां से ले रहे हैं, यहां से। अब बटे नीचे में देखिए, यहां भी कॉमन ले रहे हैं ये दोनों को, इन दोनों में से निकाल लेंगे बाहर, तो कॉस ए क्या बचेगा, यहां वन बटे साइन ए और प्लस एक बच जाएगा। अब देखिए ये और दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बस क्या क्या आपका यहाँ पे वन बटे साइन ए माइनस एक बच गया, और नीचे भी बच गया आपका कितना, वन बटे साइन ए प्लस एक बच गया। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि इसका मान कितना होता है, अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं कि कॉस से ए बराबर होता है वन बटे साइन ए, यानी कि वन बटे साइन ए का मान इतना होता है, तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, यहां पे लिखा जाएगा कॉसेक ए माइनस वन बटे नीचे वाला, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो यहां लिखा जाएगा कॉसेक ए प्लस वन। तो देखिए आपका ये इतना था और इतना प्रूव हो गया, तो आपका यहां पर जो है कि एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध हो गया। आप यहां पे लिख सकते हैं आराम से कि प्रूव। शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए। तो जैसा कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है, तो शून्यांकों का योग माइनस बी बटे ए, यानी कि इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अगर हमें इसी में दिया रहे, मान लीजिए एक सवाल लेते हैं कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स प्लस सात, तो इसका हमें अगर शून्यांकों का योग पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम जानते हैं कि मेरे पास बी शून्यांकों का योग पूछा है, यानी कि बी जानते हैं, तो माइनस छ बटे ए कितना होता है तीन, तो नीचे तीन लिख देंगे, तीन दोना छ, यानी कि माइनस दो आ जाएगा मेरा शून्यांकों का योग प्लस सात है। तो इसका अगर यदि हमको पूछ दिया जाए कि शून्यांकों का योग क्या होता है, तो हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बी मेरा क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यानी ए ये बी और ये सी हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस तीन बटे चार, ये मेरा क्या हो गया, शून्यांकों का योग। अगर हमें पूछ दिया जाए कि शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सी बटे, यानी कि सात बटे चार, ये मेरा क्या हो गया, शून्यांकों का गुणनफल। तो डायरेक्ट हम देखते हैं निकाल सकते हैं, और यह पक्का दोस्तों दो प्रश्न इस तरह का रहेगा इससे। तो आज हम इसी पर बताने वाले हैं जल्दीबाजी में कैसे बनाइएगा, तो आप समझ गए कैसे जल्दीबाजी में बन जाएगा, तो सवाल बताएंगे तो और अच्छे से समझ जाइएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक द्विघात बहुपद है, जैसे कि छ एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस सात, ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है, और इसमें कह दिया कि शून्यांकों का योग निकालिए, तो शून्यांकों का योग निकालना है हमको, डायरेक्ट जानते हैं शून्यांकों का योग माइनस बी बटे ए होता है, तो बी मेरा कितना है, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी, यानी कि ए बराबर छ, बी बराबर तीन और सी बराबर सात होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस बी बटे ए होता है, तो चलिए मन में रखेंगे और इसे हम बैठा देंगे, यानी कि बी मेरा कहता है तीन और माइनस सूत्र में पहले से तो लिख दिए, और नीचे क्या है ए, यानी कि छ, इसको कटा दीजिए
तीन एक तीन, तीन दोनों छह, तो कितना आ गया माइनस एक बटे छह, ये आपका आ गया शून्यंकों का योग। अगर पूछ दिया जाए शून्यंकों का गुणनफल तब क्या करिएगा, तब देखिए क्या होता है सी बटे ए, यानी इसको हम मन में रखेंगे, सी मेरा कितना है सात तो सात लिख लेंगे, और ए मेरा कितना है छह तो छह लिख देंगे, ये हो गया मेरा शून्यंकों का गुणनफल। तो चलिए आप समझ गए, अब प्रश्न को देखते हैं और जल्दीबाजी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर सवाल को देख सकते हैं, कह रहा है सवाल में कि बहुपद 2x² - 5x + 7 के शून्यंकों का योग होगा। तो आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, तो प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 2x² - 5x + 7 दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है दोस्तों शून्यंकों का योग पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये a होगा और ये पूरा कितना होगा b होगा और ये c होगा, तो शून्यंकों का योग क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है। इसको आप लिखना नहीं है, मने में सोचिए ए होता है, तो हमको पहले से यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस, तो माइनस यहाँ पे और हमको यहाँ क्या है पहले से माइनस है, यानी कि माइनस पांच बटे ए का मान कितना है दो, तो दो लिख दिया। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि पांच बटे आपका दो, ऑप्शन नंबर क्या है ए, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब अगला प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पे आ गया होगा, कह रहा है अगला प्रश्न में कि बहुपद 4x² - x - 3 के शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या दिया है 4x² - x - 3 के शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यंकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं क्या होता है c बटे a, तो ये मेरा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो c मेरा माइनस में है तो माइनस तीन बटे ए, ए कितना है चार, तो देखिए ऐसा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दूसरा नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा, कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक है तो निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए, तो सही कथन को चुनिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें कथन चुनना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑप्शन को उतार लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए नंबर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है सी बटे ए, और ऑप्शन बी में आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर ए बटे सी, और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर बी बटे ए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यंक, द्विघात बहुपद में शून्यंक क्या होता है शून्यंकों का योग माइनस बी बटे ए, और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है जिसका कि आप शॉर्टकट में भी देख सकते हैं, और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए, जो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो क्या इसमें आपको क्या नजर आ रहा है इन चारों ऑप्शन में, तो ये तो हम बिल्कुल गलत कहेंगे, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है यानी कि शून्यंकों का योग है, तो शून्यंकों का योग क्या होता है माइनस बी बटे ए, तो ये बिल्कुल गलत है मेरा। बी नंबर देखिए हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कथन मेरा सही है, और सी नंबर देखिए अल्फा, तो सी ये अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बटे ए ना, लेकिन यहाँ उल्टा लिख दिया, तो ये भी गलत था और ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया होगा और उसे पढ़िए क्या कर रहा है प्रश्न में। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बहुपद 3x² - 2x + 6 के शून्यंकों का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए आपका दिया गया है बहुपद x² - 2x + 6 दिया गया है, कह रहा है शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है यानी कि अल्फा शून्यंकों का, तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए, सी बटे ए होता है, तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये बी और ये सी, तो सी मेरा कितना है छ और ए कितना है तीन, अब इसको कटा दीजिए तीन दोना छ बराबर दो, आपका दो आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, शून्यंकों का गुणनफल दो आ जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं शून्यंकों का योग शून्यंकों का गुणनफल सी बटे ए। चलते अगले प्रश्न की ओर, अब अगला प्रश्न देखिए आप, कह रहा है अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद
ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्यांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे दे दिया है ए और प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमको उल्टा दे दिया है, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, तो ये मेरा हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। तो हमको अल्फा प्लस बीटा पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए होता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो ये मेरा सी हो जाएगा, यानी कि सी और ये बी, तो मेरा बी का बी मान रहेगा ही रहेगा, और ए, ए का मान क्या हो जाएगा सी, ए का मान हो जाएगा सी, और क्या होता है माइनस लगा देंगे। तो इस तरह का आपका ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। तो दोस्तों ये प्रश्न आज हम जो है कि कोशिश किए हैं कि इस तरह का बनाने के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हम कल एक इसी तरह से लेकर के ऑब्जेक्टिव और शॉर्टकट और जल्दीबाजी में कैसे बनाना है लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।